सूबे में 7 नगर निगमों के चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं, क्योंकि वार्डबंदी में देरी के चलते चुनाव 3 महीने लेट हो रहा है। 4 जिलों में वार्डबंदी का काम पूरा हो चुका है और 3 जिलों में ये काम जल्द पूरा करने की तैयारी है। प्रदेश के 10 में से 7 नगर निगमों के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में हो सकते हैं। कई शहरों में वार्ड बंदी में देरी के चलते ऐसा हो रहा है। हालांकि हिसार, रोहतक और यमुनानगर में वार्ड बंदी का काम पूरा हो चुका है। पानीपत के लिए ड्राफ्ट फाइनल कर उच्च अधिकारियों को चंडीगढ़ भेजा गया है, जबकि अंबाला नगर निगम को भंग कर फिर से अंबाला सिटी और कैंट को नगर परिषद बनाना प्रस्तावित है। इसी तरह पंचकुला नगर निगम से पिंजौर और कालका को बाहर निकालने का प्रस्ताव है, जबकि सोनीपत नगर निगम के लिए पहली बार चुनाव होने हैं। वहां भी कुछ ग्रामीण अपने गांव को निगम क्षेत्र से बाहर निकलवाना चाहते हैं। इसके बावजूद चुनाव लड़ने वालों और लड़ाने वालों में उत्साह है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में ये चुनाव होंगे, क्योंकि इन चुनावों की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एक दो निगम ऐसे हैं जहां थोड़ी सी वार्ड बंदी की समस्या है, और वो भी अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, लड़ भी सकती है? इन नेताजी का तो यही कहना है। वो कुछ नगर पालिकाओं की बात है, मैं नगर परिषद और नगर निगम की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए पार्टी अपने सिंबल पे ही लड़ेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 10 नगर निगम हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद के चुनाव 1.5 साल पहले ही हुए हैं। अंबाला को खत्म समझे तो बाकी रह गए 7। इन 7 शहरों में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कई नए उभरते सितारे भी मैदान में आने को व्याकुल हैं, क्योंकि सत्ता का रोग और नशा ही अलग है। प्रदेश में 7 नगर निगमों के चुनाव सरकार के 4 साल पूरा होने पर अक्टूबर में हो सकते हैं। तब तक मॉनसून भी गुजर जाएगा। जीत गए तो दिवाली, नहीं तो समीक्षा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।